डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं और वो जो हार्ट का हृदय से संबंधित रोग है उसके बारे में जानते होंगे। हम अगर जानकारी जानते हैं पोल्यूशन, एक गाड़ी का पोल्यूशन है, फैक्ट्री पोल्यूशन है, जल प्रदूषण है, ये सब किया हुआ है, लेकिन आज मार्केट में पूरे मुंबई में पॉल्यूशन को लेकर बड़ी चर्चा है, दिल्ली में और मुंबई में वो पॉल्यूशन है रेडिएशन पॉल्यूशन। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तेजस साहब आप ये बताइए कि ये हार्ट का जो दोनों साइड का है कौन सा हार्मफुल है कौन सा अच्छा है हेल्थी है ये दोनों है। जी तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस महीने लंग कैंसर मंथ मनाया जा रहा है। जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये महीने को लंग कैंसर अवेयरनेस का महीना बनाया है, जिसमें हम लोग छाती रोग निदान के डॉक्टर के नाते लोगों को जागरूकता जगाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से लंग का कैंसर हो रहा है और लंग की बाकी बीमारियां हो रही है। इसमें हमने ये हमारे फुफ्फुस या फिर फेफड़े या फिर लंग्स जिसको बोलते हैं उसमें दर्शाया गया है। ये साइन है लंग कैंसर का, जिस तरह का आपने HIV एड्स का साइन देखा होगा इसी तरह का गुलाबी रंग का इसमें लंग कैंसर का साइन है, इसी तरह का सफ़ेद रंग का। इसमें अलग अलग हमने प्रदूषण बताए हैं, जैसे गाड़ी का जो स्मोक रहता है जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जैसे इसके साथ में कुछ इसमें हमने बताया है चूल्हा कई औरतें रहती हैं गाँव की साइड और बाकी परिवारों में गैस की उपलब्धता नहीं होती है, इसमें जो चूल्हे से एक्सपोजर होता है उसके तरफ से हार्मफुल गैसेस निकलती है। इसी के साथ में फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं और सिगरेट स्मोकिंग जैसा कि आप सब जानते हैं ये सब हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। इस पे हमने दो फेफड़े दर्शाए हैं। इसके साथ में ये होता है ट्रकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं, इसके थ्रू सारी हार्मफुल जो गैसेस होती है वो हमारे फेफड़े में जाती है। ये लंग हमारा अच्छा वाला लंग है जिसको दर्शाया गया है कि ये गुलाबी रंग का है, इसमें अच्छी खासी हवा भरी है और ये अच्छे से काम कर रहा है जो कि हमें अच्छा जीवन देने के लिए काम करता है। दूसरी तरफ फुफ्फुस दर्शाया गया है जिसमें ये बीमार वाला लंग है, इसमें ये बताया गया है जिसको कैंसर बोलते हैं, समय के साथ में इसमें धुआं जमते जमते कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसके साथ में ये हमने दर्शाया गया है कई बार पेशेंट्स के छाती में पानी भर जाता है, पानी की भरने की वजह से उन्हें दम लगता है, छाती में दुखता है, TB जैसी बीमारियां होती हैं। तो इस तरीके से हमने बताया TB की बीमारी के लक्षण है। TB की बीमारी या दूसरे इन्फेक्शन से भी हो सकता है और इसमें ऐसा देखा जाता है कि फेफड़े में जो पानी आ जाता है पानी का सड़न हो जाता है कैसा जो फेफड़े में पानी अगर भर जाता है तो वो आपको एज अ पेशेंट नहीं दिखेगा, आपको आके एक्सरे पे या फिर जब आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो आपका एक्सरे करवाएंगे, बाकी जाँच करवाएंगे जिसपे से पता चलेगा कि फेफड़े में पानी भरा है। फेफड़े के पानी की जांच होती है उसपे से हमें पता चलता है इसमें किस तरह का इन्फेक्शन है, वो कैंसर से हुआ है, TB से हुआ है या दूसरे किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। फेफड़े का आपने पॉल्यूशन का बताया लेकिन जो रेडियो एक्टिव किरण है उससे कितना फेफड़ा और ब्रेन पे क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी पर? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमें दिख रहा है कि रेडियो टावर्स डेवलप हो रहे हैं और रेडिएशन की जो किरणें हैं जो कि मोबाइल टावर बोल सकते हैं या फिर रेडियो टावर बोल सकते हैं, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग से जो सिग्नल्स के लिए टावर होते हैं, इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो फैक्ट्रीज में भी रेडिएशन निकलती है, कुछ रेडियो एक्टिव धातु होते हैं जिसमें से रेडिएशन निकलती है, इसके अलावा हमारे अस्पताल में भी हम डॉक्टर्स और बाकी जो स्टाफ होता है वो भी एक्सपोज होता है। CT स्कैन, MRI और एक्सरे ये तीनों चीज़ें भी हमारे पास कई बार लोग आते हैं जिनका कई बार CT स्कैन या MRI हुआ रहता है, वो भी रेडिएशन घातक होते हैं। कोई किसी भी तरह की चीज़ एक प्रमाण से ज़्यादा हो जाती है तो घातक होती है, उसी तरह का रेडिएशन का भी है। अगर रेडिएशन एक शरीर में एक लेवल के ऊपर जाता है तो हमारे शरीर में कैंसर क्रिएट करने वाले कुछ पदार्थ होते हैं, अगर रेडिएशन उस कैंसर वाले सेल्स को एक्टिव कर देता है तो कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेशेंट को कैंसर या फिर दूसरी जेनेटिक बीमारियाँ हो सकती हैं। क्या मैं जो ये रेडियो एक्टिव किरण देती है मोबाइल टावर का 5G आ जाता है ये कितना इफेक्ट बॉडी पे करेगा मान लीजिए, एक घातक है या नॉर्मल? इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ इस वक्त। घातक तो रहेगा कि कुछ किस तरह का रेडिएशन, पर इस पर कितना रेडिएशन, कितने समय का एक्सपोजर, कितना घातक रहेगा ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे हम ये भी देखते हैं कि कई लोग एक साल दो साल स्मोक करते हैं पर उन्हें कैंसर या फिर दूसरी बीमारी हो जाती है और कई लोग को सालों के स्मोकिंग के बाद में नहीं होता है, तो ये चीज़ हर एक व्यक्ति के शरीर के सहनता पे है और उनका बॉडी का जो जेनेटिक मेकअप है उस पर डिपेंड।
प्रेजेंट कर पाए जो उनका इम्यूनिटी पावर है जी अभी उन्हें इसका क्या है इसका कारण क्योंकि कोरोना भी नई बीमारी है और लोगों में बीमारी के लिए ज़्यादा जागरूकता है इसलिए हमें दिख रहा है किसी भी इंजेक्शन या गोली का साइड इफेक्ट जबकि ऐसा नहीं है कोई भी इंजेक्शन या गोली किसी भी मानव पे देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट रहता है कोरोना जैसी बीमारी लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है इसलिए लोगों को उसका साइड इफेक्ट इतना दिख के आ रहा है और साइड इफेक्ट जिन प्रमाण पे हो रहा है जितने पॉपुलेशन पे हो रहा है वो पॉपुलेशन बहुत कम है जबकि जितने लोगों पे उसका अच्छा इफेक्ट हो रहा है वो उसकी चर्चा कोई नहीं करता है तो अच्छा ये जागरूकता के हिसाब से हार्ट के पेशेंट जो हार्ट के स्वस्थ हो रहे हैं उनको इसकी सजा कराना चाहिए हार्ट और लंग्स के लिए तभी वो अगर फेफड़ा इंजन उनका सही रहेगा तो बॉडी सही रहेगी यही इंफ्लुएंस है आपका समाज को आप बताते हैं कि हर्षद प्लीज के माध्यम से डॉक्टर तेजस से बात होना चाहिए हॉस्पिटल ये अवेयरनेस का सारा सिस्टम उन्होंने लगाया है लोगों को हार्ट की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और अपने लंग्स को कैसे बचाया जा सकता है इस चीज़ का अवेयरनेस यहाँ पे किया गया जी जी अस्पताल में और डॉक्टर तेजस के माध्यम से हमें अच्छी जानकारी मिली कि लोगों को कैसे अपने हार्ट को सुरक्षित रखना है अपने बॉडी को मेंटेन करना है रेगुलेटरी पावर को एयर फ्रिक्वेंसी को कैसे मेंटेन करना है जे जे अस्पताल सदैव ऐसा चाहता है कि उनके पेशेंट स्वस्थ रहें मजबूत रहें और जल्द से जल्द और इन सब बीमारियों से बचे रहें और बटन कैमरा करना हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच आपके गांव में आपके शहर में तहसील में इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों की इसी तरह आप सब देखते रहिए हम बड़े बड़े खुलासों की इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।